वेलकम बैक बैक के वाना के एंड विद अ न्यू चैप्टर इन फिजिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वी हैव जस्ट कवर्ड ऑल ऑफ देम एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन एक नया चैप्टर एंड इसके बाद हमारा पूरा मैकेनिक्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद विल बी मूविंग टू वेव्स एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सर्टेन अदर थिंग्स लाइक ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स लेटर ऑन एंड इवन इंक्लूडिंग थर्मोडायनेमिक्स राइट

मोशन जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एक टाइम इंटरवल पे बेस्ड रिपीट करते हैं दिस जस्ट लाइक जब भी हम लोग घर से स्कूल जाते लेटर ऑन वी आल्सो कम फ्रॉम द स्कूल टू होम नेक्स्ट डे अगेन फ्रॉम होम टू स्कूल एंड अगेन फ्रॉम स्कूल टू होम सो इट्स अ काइंड ऑफ मोशन दैट्स अ पीरियडिक मोशन दैट्स एन सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशन सो डोंट थिंक लाइक दैट अब ऑसिलेशन कंप्लीटली कॉलिंग इट सो दैट डोंट वर्क वेरी वेल तो यहाँ पे लाइक द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन

अगले वीडियोस में कवर करेंगे हम लोग एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं विच वी आर ऑलरेडी फैमिली विथ एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो कि हम लोग ऑलरेडी फैमिली हैं। यहाँ पे मैंने यह एक वॉल लगाई नीचे फ्लोर है एंड यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग अटैच किया है टू अ ब्लॉक दैट इज एट रेस्ट इस ब्लॉक को कुछ मास दे दे इसका मास हो गया

जब ये स्प्रिंग नेदर स्ट्रेच्ड होगा तो इसे हम लोगों ने स्ट्रेच भी नहीं किया एंड नोर कंप्रेस्ड होगा हम लोगों ने इसे कंप्रेस भी नहीं किया तो जब ये इस सिचुएशन में रेस्ट पे रहेगा तो हम लोग इसकी एक्स कोऑर्डिनेट हियर अलोंग गोस एक्स एक्सिस तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन वी कैन मेजर इट एज़ जीरो दैट इज व्हाट वी यूजुअली डू एंड इसे एक्स इक्वल 0 की पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वेनिडर स्प्रिंग बट लेट्सिडर की यही हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है बट विथ अंड ऑफ डिफरेंस कि यहाँ पे हमारे पास ये वही ब्लॉक है लेकिन हम लोगों ने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया राइट दिस वे हम लोगों ने क्या किया कि ये ब्लॉक ऑफ मास एम है इसको हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा फोर्स लगाया एंड इसको स्ट्रेच इस कर दिया x इक्वल जीरो यानी कि जहां पे ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड थी नॉर कंप्रेस्ड थी वो ये वाली सपोज पोजिशन है हम लोगों ने इसे इस पोजिशन पे रख दिया यानी कि ये वाली पोजिशन इसको अगर हम लोग मेजर करें

तो पे करेगी, because this just block, वापस X equal 0 पे पे करेगी, कि कि वापस आ जाए, that is the thing. And that is the reason इस इस के के को हम लोग बोलते हैं अब यहाँ पे अगर इस फोर्स के magnitude या फिर इसके डायरेक्शन की बात करें इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस किया लाइक लेट मी अगेन कंसिडर तो ये हो गया हमारे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेट मी जस्ट नाउ कंप्रेस द स्प्रिंग यहाँ पे एंड पे, पे हम लोग तो अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है तो ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है तो एक तो रिवर्स डायरेक्शन में टू द डिस्प्लेसमेंट एक्ट करती है सो so, डिस्प्लेसमेंट इज हियर ये फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी इसे एफ सब एस हम लोग बोलते हैं अब अकॉर्डिंग टू हुक हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट वी जस्ट कंसीडर हुक्स लॉ एक काइंड का लॉ है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन पीरियडिक मोशन और ऑसिलेशन व्हाटएवर यू विश टू कॉल द चैप्टर कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये होता है अ नेगेटिव सिंबल व्हिच शोस कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है का कांस्टेंट विच इज रिटन एज़ के टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट अगर ये एक्स एक्सिस पे लेंगे ये जो हमारा लॉ है दिस इज नोन एज हुक्स लॉ सो वी डिसकर्ड इट या दैट इज हुक्स लॉ तो अगर हमारे पास सपोज कुछ भी है ये जो के है ना हमारे एक का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी के को हम लोग व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट आल्सो नॉट व्हाटएवर लेकिन इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या फिर फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं

कि के यहाँ पे प्रमोशन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 80 न्यूटन पर मीटर इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती इट इज अ पॉजिटिव नंबर राइट तो इट इज सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर हर एंड एंड का द हायर द वैल्यू ऑफ के द स्टिफर द स्प्रिंट इज तो इफ वी नाउ लुक फ्रॉम हियर अगर के वन है तो एफएस इज एग्जैक्टली दिस वेक्टर बट विद एन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट्स हुक्स लॉ राइट अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें अगर ये नेट फोर्स ही है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूसरा कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा तो व्हाट वी कैन से कि हमारे यही तो हमारा नेट फोर्स है दैट इज द थिंग अब नेट फोर्स हम लोग मास टाइम्स इसका एक्सीलरेशन लिख सकते हैं एंड इफ वी कैन डू सो तो आई विल राइट कि -k x इज m टाइम्स a तो यहां से हम लोग कैन गेट दैट इज -k m टाइम्स में हो गया है, x so we have already got that f sub s is minus k x another thing is ki a equals minus k over m times me x that is the thing to so, yahan pe we just look ki iska acceleration bhi proportional hota hai to what iska acceleration proportional hota hai to its position from the equilibrium position x equals 0 ya fir its displacement from x equals

S UT square, या फिर नहीं है। यहाँ पे जो होगी, अगर हम लोग वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है क्योंकि यहाँ पे तो इसकी मैक्सिमम एक्सलरेशन होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो एक्सट्रीम पॉइंट्स में यानी कि व्हाट आर एक्सट्रीम पॉइंट्स कि ये सिचुएशन हम लोगों ने लिया तो जहां पे वी हैव जस्ट स्ट्रेच्ड इट और इलॉंगेટેड इट और से कंप्रेस्ड इट तो वहां पे उन पॉइंट्स को हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं लाइक दिस पोजिशन एक्स जहां पे हम लोगों ने पहले इसको स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया तो दिस आर आल्सो टर्निंग पॉइंट्स व्हिच इज पॉजिटिव बट थिंग्स लाइक इट विल बी डिस्कस लेटर

बट वेलोसिटी स्टिल इंक्रीज करती रहेगी यानी कि यहाँ तक वेलोसिटी यहाँ तक बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी जो मीन पोजीशन होती है x इक्वल जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये ऑसिलेट करेगा तब इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी फिर ही जब ये यह यहाँ पे जाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी

ये सर्टेन कैंड का एक्सेलरेशन है व्हिच इज गिवन माइनस के टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय में उस बॉडी का मास या फिर हम ऐसे सिचुएशन में आ गए जहां पे उस बॉडी पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है व्हिच ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग इट एट एक्स इक्वल्स जीरो एंड जिसका मैग्नीट्यूड है के टाइम्स इसकी पोजीशन बट इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट उन सरकमस्टेंसेस को उन कांड के सिचुएशंस को इस कांड के मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट्स ऑल ऑफ इट तो इन्हीं कांड के मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक स्पेशल केस है ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन कि जब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि एफ सब एस ऑपोजिट हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बॉडी को लाना चाहता है व्हेन इट ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक एट एक्स इक्वल्स जीरो एंड जब ये हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्ट करता है तो उन केसेस में दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन स्लोज ऑलवेज वैलिड नहीं होता है वैल्यू ऑफ एक्स वेरी हाई तब यूजुअली वैलिड नहीं होता है लेकिन फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज वैलिड क्योंकि तब